चल तुर के तुर के ये देखें मेरे साथ कैमरा मैंने अच्छा नहीं किया, वो कहता है इधर बैठेंगे पहले तो फिर आपकी वीडियो शूट करूंगा, इसलिए मुझे इधर बैठना पड़ रहा है। ओके आई एम सिटिंग हियर, बहुत ज़्यादा गर्मी है तो अब क्या बोलूँ मैं, गर्मी में मुझसे कुछ नहीं बोला जा रहा। चलो ओके तो फिर भी गर्मी बहुत ज़्यादा है, मैं हम निकले हैं बाय, कुछ ना कुछ शूट इधर करूं और आफ्टर ऑल आई फाउंड समथिंग फॉर यू, वो मैं आपको अभी दिखाता हूं। लेट्स सी, चलते हैं उधर। तो अभी हम जा रहे हैं, ये देख सकते हैं आप मेरे पीछे इधर, ये एक कच्चा कमरा बनाया हुआ है। पहले इधर होते थे कि लोग रात को भी रुक जाते थे, या पानी वगैरह खेतों को लगाना होता तो इसमें रुकते हैं। तो अभी इसको अंदर से भी देखते हैं, हमने काफ़ी ढूंढा और हमें ये एक ही मिला है इधर। तो ये देख सकते हैं कच्चा, इसमें घड़ा भी रखा हुआ है, एक चारपाई है। तो इसकी देखें ये छत, उन्होंने बांस वगैरह डाल के ऊपर चटाइयाँ डाली हुई हैं। इसमें घड़ा रखा हुआ है, ये चारपाई है। तो अभी मैं इस चारपाई पे बैठूंगा। तो ये देख सकते हैं आप इसमें से बाहर देखने के लिए, अगर रात को बंदा इधर रुकता है तो बाहर देखता है, ये रोशनदान टाइप ही है बनाया हुआ। तो ये इसका नॉर्मल टेम्परेचर है, बिल्कुल ठंडा है अभी भी, फुल गर्मी में भी ये कच्चा, चाहे गर्मी हो सर्दी है इसका टेम्परेचर एक जैसा ही रहेगा। तो कच्चे का ये एक फ़ायदा माशाल्लाह, इसका ये एक फ़ायदा बहुत ज़्यादा होता है, नॉर्मली टेम्परेचर आता है। चलो तो इसकी छत भी देखें, उन्होंने ये बांस और लकड़ियाँ डाल के ऊपर चटाइयाँ डाली हुई हैं और उसके ऊपर शीट है डाली हुई, ऊपर मिट्टी डाली होगी। तो ये इसकी छत भी ठंडी है। तो ये उन्होंने जिसका भी है तो कपड़े वगैरह भी अपने लटकाए हुए हैं इधर चेंज करने के लिए। तो अभी हम बाहर निकलते हैं, देखते हैं साथ उनका बाग वगैरह भी है यहाँ पे, कुछ फ्रूट वगैरह के पौधे हैं वो देखते हैं। मकसद इधर बाग की तरफ आना था, तो ये आपको दिखाऊं, ये दरख्त लगे हुए हैं, ये ओले के दरख्त हैं, ये अचार में इस्तेमाल होता है ओला, तो ये सर्दियों में इसका अचार डाला जाता है। तो ये माशाल्लाह इधर इसका बाग है पूरा, तो इसमें कुछ आम के दरख्त हैं, ये देख सकते हैं आप,
इधर के एरिया में यही है, हमें तकरीबन ना मिला और मेरे ख्याल में नहीं है और कोई, जितनी हम मेरी सर्च मैंने देखा है तो ये काफ़ी ज़्यादा लगे हुए हैं अभी तो ये इसका नहीं है। दरमियान में आम वगैरह के दरख्त हैं और ये इंटरक्रॉपिंग की गई है, चारा है। आगे आ जाए मुझे दरख्त मिला है, इस पर तो लगे हुए हैं लेकिन ये ठीक नहीं है, तकरीबन सारे नीचे गिर गए हुए हैं। ये देख सकते हैं, मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये इस तरह के होते हैं। ये थोड़ा इसका खट्टा टेस्ट होता है, इसमें गुठली होती है तो ये इस तरह पे ये देख सकते हैं, ये इधर लगे हुए हैं। फल अब ये देख सकते हैं आपने, इसमें इंटरक्रॉपिंग की गई है, ये भैंसों के चारे के लिए है तो ये इसे सॉर्गम कहते हैं, बोटैनिकल नेम या इसका तो इसे चरी या ज्वार कहते हैं पंजाबी और उर्दू में। ये भैंसों के चारे के लिए इस्तेमाल होगी, ये गर्मियों का है, सर्दियों में तो बरसीम वगैरह काश्त किया जाता है उनके चारे के लिए। तो वेल आज का वीडियो हम इधर ही एंड करते हैं, गर्मी काफ़ी ज़्यादा है तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं हाज़िर हूँगा दोबारा। तो जिन भाइयों ने अभी तक लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो वो लाजमी कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके सी यू लेटर। ओ केड़ा है।